मेरे को किसी ने एक व्हाट्सएप पे वीडियो फॉरवर्ड किया, आप अपनी ही पार्टी के किसी कम्युनिटी के यहाँ पर शादी पे गए थे, वहाँ पे आप मोहम्मद रफ़ी किशोर कुमार के गाने गाने। तो मैंने किसी से पूछा, हमारे रिपोर्टर से, उसने कहा कि बड़ा अच्छा गाते हैं कैलाश जी। तो मैंने बोला, अरे ऐसा लगता तो नहीं, आप तो बड़े सीरियस टाइप के नेता लगते हो, ये आप जाके गाना भी गाते हो शादी में, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। दरअसल क्या है कि मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ। हाँ, पर मैंने सुना है गाते बहुत, मैंने कभी नहीं, मेरी बात तो सुनिए, हाँ मैं प्रोफेशनल सिंगर हूँ नहीं, पर कभी कभी कुछ सीन देखकर एकदम गाना याद आ जाता है। तो ये अब सीन देख के आपको कौन सा गाना याद? नहीं, मेरे सामने तो आप देखे बैठे हैं, आपका सीन देख के मुझे कोई गाना याद नहीं आप ऑडियंस ऑडियंस को देखिए, आप ऑडियंस को देखिए, उनको देखिए। अच्छा, आप अब अगर ये कहें कि आपने, जैसे अब आप किसी कम्युनिटी लीडर की शादी में आ गए, अब आपने हमें कोई गाना सुनाना, हम लोगों ने फरमाइश की है, आपकी पार्टी वर्कर्स आए आपके पास, उन्होंने कहा कि कैलाश जी आपके पार्टी के कई लोग बैठे हैं, आप लोग सुनना चाहेंगे कैलाश जी का गाना? पक्का आप अच्छे से फरमाइश करेंगे तभी? देखो, अगर वो पंप अप नहीं होंगे, वो कह रहे हैं ये सीन देख के उनको कोई फीलिंग नहीं आ रही है, अगर आप अच्छे से उनको पंप अप करेंगे तभी। आपने सुना है कि अच्छा गाते हैं? हाँ, पर मैंने कभी लाइव नहीं सुना इनको, थोड़ा सा आप सब, अब तो सब जान गाना चाहना है, कितने लोग सुनना चाहते हैं इनका गाना? ये देखिए, बताइए। मुझे अभी सैनिक बैठे हुए थे बांग्लादेश के युद्ध के 50 वर्ष हुए हैं, तो उन सैनिकों को प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हुए 2 लाइन सुना देता हूँ। दूसरा गाना सुना देता हूँ। अच्छा, आप, मैंने सुना है आप किशोर कुमार और मोहम्मद रफी के गाने, आप कहाँ पे वो सेना के चक्कर में पड़ रहे हैं, आप किशोर कुमार मौजूद गाने आते हैं वो सुनाइए, और इतना दिमाग पे जोर डाल रहे हैं वो गानों की लिरिक्स, जो आप फटाफट जो जुबान पे है वो सुनाइए आप, किशोर कुमार के या मोहम्मद रफी के? मेरे को, मैं पूरी रिसर्च करके आया, मुझे पता चला कि आप बहुत अच्छा गाते हैं और ये गाने आपको ज्यादा पसंद, जो पसंद है वो सुनाए ना आप ये। हाँ, ज़ुल्फ़े जैसे कंधे पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं की प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो, चौथवी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब क्या बात है, जोरदार तालियां। अच्छा, जब मुझे बोला कि गाते हैं तो मुझे लगा हाँ गाते, इतना अच्छा गाते हैं ये नहीं बताया था किसी ने, आपने तो एकदम समा बांध। एक फरमाइश और, वन मोर सो, इतना अच्छा गा, ये तो आप एकदम, आपने कभी ऐसा सुना कि सोचा कि मैं एक दूसरा ऑल्टरनेट करियर भी हो सकता है बीजेपी को बंगाल में जिताने के अलावा, आप कॉन्सर्ट वगैरह भी कर सकते हो ऐसे? राजनीति में फेल हो जाएं, आप ऐसा सोच रहे हो तो कम अपना नहीं, ड्रम, अपनी ड्रम पार्टी खोल दूं ऐसा? मैं एक ऑल्टरनेट लाइन ऑफ आप करियर मेरे में, कितने अच्छे दोस्त हो यार। मैं तो ऑल्टरनेट करियर से, एक गाना और आपको गाना पड़ेगा, इतना खूबसूरत आपका, आप लोगों को अच्छा लगा इनका गाना? वुड यू लाइक टू हियर वन मोर, वन मोर, वन मोर सर, जो पॉपुलर सॉन्ग हो वैसे ही आप कीजिएगा, जो आपकी एकदम जुबान पे हो। मेरे को नए नए गाने जो याद जो नहीं। जो आपके नहीं, जो आपको, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, जो आपको पसंद है। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर
संभलता है दिल, क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। क्या बात है, आप तो एकदम प्रोफेशनल सिंगर की तरह गाते हैं। और अगली दफा उषा उत्तप जी को या पापॉन को बुलाने की जगह आपने तो समा बांध दिया, ये तो आपका एक हिडन टैलेंट था, मतलब चुनाव लड़ाने जिताने के अलावा ये तो आप एकदम कॉन्सर्ट कर सकते हैं, कॉन्सर्ट लाइक क्वालिटी वॉइस है कि नहीं? अमेजिंग, फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच कैलाश विजयवर्गीय जी।